हेलो दोस्तों, पूजा किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आधा कप पोहे से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। ऐसा नाश्ता कि आप एक बार बना लोगे तो रोज़ ही बनाने का आपका मन करेगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पोहा लिया है और आधा कप सूजी। मैं यहाँ पर मोटे वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ। आप मोटी बारीक आपके पास जो भी हो आप उस सूजी को ले सकते हैं। और साथ ही ऐड कर दिया मैंने इसमें आधा कप दही और आधा कप पानी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम इस बैटर को एक बाउल में निकाल लेंगे। ये ऐसा नाश्ता है कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को पसंद आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर दे सकते हैं। ये देखिए, मुझे जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, हमें इस तरह का बैटर चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ढक कर साइड रख देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज और 1 चम्मच हरी मिर्च। आपके पास जो कोई भी सब्जी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं हमारे बैटर को रखे हुए। ये देखिए, जो हमारा बैटर है वो तैयार हो गया है। अब हम एक तवे को गैस पर रख देंगे और जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से हम तवे के ऊपर फैला देंगे। मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा ले रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल तवे के ऊपर भी इसे बना सकते हैं, ये इजीली बन जाएगा। लेकिन नॉन स्टिक तवे पर क्या होगा ना कि हमें थोड़ा सा भी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर हम जो ये नाश्ता बना रहे हैं उसको हम बिना तेल के ही बनाएंगे, एकदम बहुत अच्छे से बन जाता है। अब हम इसके ऊपर जो हमने प्याज टमाटर और शिमला मिर्च जो हमारी सब्जियाँ हमने काट कर रखी थी उनको हम इनके ऊपर फैला देंगे और अच्छे से इनको प्रेस कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। हमें ज़्यादा दबाव के साथ इनको नहीं फैलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। अब हम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इनको लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए, 1 मिनट बाद ये जो हमारी हैं वो एकदम से पककर तैयार है। अब हम इनको पलट लेंगे इस तरीके से और दूसरी साइड से भी हम इनको पका लेंगे। ये हमारे जो पोहे के उत्तपम हैं वो बनकर एकदम से रेडी हैं। ये जो नाश्ता है वो एकदम से हेल्दी है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी, क्योंकि इसमें ना तो हमने कोई इनो सोडा डाला है और ना ही किसी तेल का यूज़ किया। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।